नाज़रात कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका बहुत ही प्यारा होस्ट उमेश शेख। तो जी आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब उमेश शेख। सो गाइस कश्यप जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेमिनल तंग कर रही है। कश्यप बताएं ज़रा। मैं बिल्कुल भी तंग नहीं कर रही। तो अभी मुझे इतने मुक्के मारे इसने चावल ने। तो फिर मुक्के मारे हैं। हाँ अब क्या हुआ कैमरे के सामने क्यों नहीं तुम ये काम कर रही। तो नाजरीन हम अभी सोए उठे हैं और अभी टाइम हो गया है कुछ 3 बजने का। तो हम काफ़ी लेट सोए थे तो कश्यप उठ के मुझे मुक्के मार के उठा रहे थे कि उठ जाओ। और अभी मैंने उठते साथ ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली। तो मैंने कहा क्यों ना अपने नाजरीन को दिखाया जाए, दोस्तों को दिखाया जाए कि ये क्या क्या हरकतें करती है मेरे साथ। जोर बोल रही है। हाँ मुँह में जुबान नहीं है। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। बड़ी मासूम है, दिखती है आप लोगों को वीडियो में, ये है नहीं बस। सो गाइस इससे पहले मैं तैयार हो जाऊँ, शावर ले लूँ, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। इस कश्यप मांग करी है मुझसे मोबाइल, पता नहीं क्या इसने मोबाइल में करना है। बता क्या करना है मोबाइल का तूने मुझे। अचार डालना मैंने मोबाइल। अचार डालना। सोच ले। हाँ। सोच ले। मैंने अचार डाला। हमारे से हमारा तो गंदी गंदी हुई है। हम लोग तैयार हो जाए फिर उसके बाद आपको मस्ती की चलते दिखाते हैं, फिर अफ्तारी दिखाएंगे इंशाल्लाह। मुझे ना आज की समझ भी आ गई है, अगर कोई काम नहीं करवाना कश्यप की बात नहीं माने तो कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन कश्यप कोई काम नहीं करेगी आपसे, बदतमीजी भी नहीं करेगी। सो अब कश्यप कैमरा सॉरी मोबाइल मांगो जरा मुझसे। मुझे मोबाइल दे दे। नहीं चाहिए। दे देना। नहीं देना। बोलो मुझे मोबाइल दे दे। हैं मोबाइल दे दे। बच्चा पहले एक नहीं रोता वैसे हमारा सोनी चुम्मी नहीं मांग सकता मैं। हमारा अच्छा ऑन कैमरा ऑन कैमरा ऐसी बातें नहीं करते। मैं क्योंकि दिखाता हूँ यहाँ पे बच्चे बाइक खेल रहे हैं और बड़ा अच्छा ग्राउंड नज़र आ रहा है तो मैं खुद दिखाता हूँ। सो दैट्स दस फिर ये ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं हुआ एक इंटरव्यू और उस इंटरव्यू के बाद हम लोग ने रोजा भी पहले खोल लिया था तो कुछ हो गया ये वो ना, तो मैं काम करने लगे काम में मगर लगा। इंटरव्यू की तैयारी नहीं थी क्योंकि तैयार ना था मैं, जो कि अपना इतना इंटरव्यूज मेरे जो लास्ट इंटरव्यू था मेरा आज और अभी भी आने वाले वक्त में आने वाले हैं और आज जो था हमारा एक इंटरव्यू था तो हम लोग देख फ्री हुए हैं। यहाँ पे खाया जा रहा है कश्यप दाल और रोटी खा रही। कश्यप दाल रोटी खा रही हूँ। ओ हेलो मैडम। जी जी देखिए जरा मेरा खाने का टाइम डिस्टर्ब नहीं करता। क्यों नहीं डिस्टर्ब करता भाई, मैं तो डिस्टर्ब करूँगा तुम्हें। हैं तो भाई इतने बना रहे हैं चाचू रोटियाँ। चाचू बना रोटियाँ बनाओ। चल चाचू बना रोटियाँ। नहीं 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 बना रोटी बस नहीं करता जानू। बहुत ही बकवास ना करा कर मेरे ना समझ लगी। चंगा है इज्जत हो गई हूं। अदर लेके जा मेरे हाल। अटुंड बट्टी मेरी अटुंड बट्टी हैं व्हाट। जाओ बकवास नहीं करते समझ लगी। अंदर कुछ और बोलो। हाँ बोल बोल भोंको। गाइस मैं आ चुका हूँ मैं अपने काम करने के लिए और काम की तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ पे स्टिचिंग करूँगा और साथ साथ अपना काम करूँगा, साथ साथ ब्लॉगिंग करूँगा और आपको साड़ी तक का सारा दिखाऊंगा। सो गाइस मैं अपना काम अभी कंप्लीट कर रहा हूँ और कश्यप साहिबा ऊपर आएंगे तशरीफ लेके। देखो ऐसे लगा जैसे कि ना इसको किसी ने कुछ कहा हुआ है। नहीं मैडम की गल है तेनू है थकी है हल चलाए ना तू मेरे लाया तू हल चलाए ने दस। बस एक गल है सारा दिन मशीना वगू लगी रहती कभी बर्तन मार तो कभी रोटियां पका तो कभी कुछ कर तो कभी कुछ कर एन फुर्सत नहीं आनी। दस की कहना तेरा। कुछ नहीं ला कुछ नहीं। अच्छा आप सब ये कहते थे ना कि यार की मसला होंगे मतलब क्या उठते क्यों नहीं पे डांस वगैरह
ਦੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਦੋਰਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਟੁੱਟੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਇਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਸਕੇ ਜੋ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੋਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ मेरे हंसने की वजह ये थी ऑन कैमरा कश मुझे हाथ ही लगा दी चल मानना मैंने कहा ऐसे वीडियो बनाओगे ना लोगों से मार ही खा गया खबरदार मेरा पता है ना क्या तेरा और मुझे व्हाटएवर मुझे गुस्सा तो आने दो इसको गुस्सा आने दो चिल्तर जी चु गुस्सा आने दो इसको बंद कर दो सही नहीं बनी ये सही नहीं बनी इसको बंद करो तुझे हाँ बोलो I love you John दिमाग काम पे आपका ये नहीं है हमने तो एंटरटेन करना लोगों को क्यों तो मैं तो करूंगा जैसे मर्जी करो तुम चाक दिखाओ मुझे तुम्हारी अभी मैं सांस बनूंगा चाक दिखाओ जरा चाक दिखाओ जरा करने दो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता शेख साहब बाकी में पागल हो गए बाकी वो आपको सो गाइस ये है हमारी खट्टी मिट्टी लड़ाई जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान अरे तू मेरा मैं तेरी जाने सारा हिंदुस्तान नॉट हिंदुस्तान समझ आई मेरे तो जुल्म काट दिए आई लव यू जान
ये इज्जत है बंदों की, ये इज्जत है बुढ़ियों की, ये इज्जत है बुढ़ियों की, ये इज्जत है बंदों की। बाहर में बाहर अभी तक पैदा ही नहीं हुआ कशफ। गाइस ये तो थोड़ी बहुत होगी पागल, अब इसको मैं समझा के आपको बताता हूँ। ये कीड़ा ने मैं जैसे मेरे गैम ऑफ किया ना इसकी टेंटर स्टार्ट होने लगी थी तो मैंने फोन कैमरा ऑन कर दिया। सो आप बोलो कशफ आई लव यू मेरी जान। दोबारा बोली आप पागल हो जाते लाइक तुम्हारे साथ रह आया के मुझे लगता है पागल हो। कशफ आपके हाथ काले नजर आ गए, मुंह आटे का वर्का नजर आ गया, मुंह तक लाया तो किया जो मुझे समझ नहीं लग रही तेरी जो आपने लगाया। मैंने तो कुछ नहीं लगाया, आप बताओ। गुस्से आना कर मेरी जान सजना, एक दिन मर जा रहा है मेरा। इसी तरह हमारी खट्टी मिट्टी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन सीरियसली मैं इसने बहुत जोर से यहाँ पे नाखून मारा मुझे और दर्द भी हो रहा काफ़ी। सो गाइस अभी जो है आज के लिए इतना ही था और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये हमारी जो खट्टी मिट्टी लड़ाइयाँ ये आपको मिलती रहेंगी ऐसे ही चुलबुली सी चल खट, वो कहते हैं ना एक मियाँ बीवी की जो लड़ाइयाँ होती है ऐसी नोकझोंक होती रहती है, वो तो होती रहती है। सो इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में ऐसी नोकझोंक नजर आती रहेगी हमारी। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक। और जिस जिस बंदे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर, शेयर कर दे, कमेंट कर दे लाजमी। अल्लाह हाफिज़।